जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एल एन ज्योग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ में। फ्रेंड्स कहते हैं आप लोग आई हो पाए वो बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, और प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था रिमोट सेंसिंग के बारे में, जिसमें रिमोट सेंसिंग से संबंधित जो भी आप इंट्रोडक्शन था उसके बारे में बताया था कि ये कैसे वर्क करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कैसे प्रयोग करता है। ठीक है, तो उसी क्रम में आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग बात करते हैं रिमोट सेंसिंग के कंपोनेंट्स की कि कौन कौन से उपकरण इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। ये चैप्टर रिमोट सेंसिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर जो कंपोनेंट वाला है यहाँ से क्या है, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना क्या है लगभग लगभग तय है। अगर आप कंपोनेंट को पढ़ लेते हैं तो आपका एक क्वेश्चन क्या होगा, रिमोट सेंसिंग का रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इसके आज कंपोनेंट के बारे में अच्छे से जानकारी लेते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कंपोनेंट ऑफ रिमोट सेंसिंग की, रिमोट सेंसिंग में कौन कौन से क्या लगे होते हैं, कंपोनेंट्स यानी कौन कौन से संघटक हैं, किससे मिलकर ये बना हुआ है। तो बेसिकली इसमें तीन चीजें होती हैं, एक होता है प्लेटफॉर्म। ठीक है, प्लेटफॉर्म जो आप समझते हैं कि प्लेटफॉर्म का क्या मतलब होता है, प्लेटफॉर्म का मतलब होता है कि कोई उसके लिए क्या होना चाहिए, एक बेस होना चाहिए, रिमोट सेंसिंग के लिए आधार होना चाहिए। ठीक है, प्लेटफॉर्म को आप बोल सकते हैं कैरियर ऑफ रिमोट सेंसर्स, यानी जो प्लेटफॉर्म होते हैं वो क्या करते हैं, जो इसका दूसरा आपका कंपोनेंट है कि पहला प्लेटफॉर्म हो गया, दूसरा क्या इसमें लगे होते हैं, सेंसर्स लगे होते हैं। ठीक है, और तीसरा क्या होता है, ऑर्बिट। यही तीन क्या है इसके प्रमुख आपके क्या है, कंपोनेंट्स हैं। जो आपका प्लेटफॉर्म होता है इसका क्या काम होता है, ये कैरियर का काम करता है, किसके कैरियर का, जो इसमें क्या लगे होते हैं, सेंसर्स लगे होते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका जो रिमोट सेंसिंग है, जैसे ये आपका क्या है कि कोई सैटेलाइट जो छोड़ा जाता है, तो सैटेलाइट का प्रमुख काम क्या है, सैटेलाइट पे लगे होते हैं आपके बहुत बड़े बड़े छोटे बड़े सेंसर्स लगे होते हैं, अलग अलग कामों के लिए अलग अलग क्या प्रयोग किया जाता है, सेंसर्स प्रयोग किया जाता है, जो क्या करेंगे, जो क्या करते हैं, सेंस करते हैं। सैटेलाइट तो केवल घूमता रहता है, उसका एक ही काम है कि वो घूमता रहे, किसको लेकर, इस आपके सेंसर्स को लेके। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि प्लेटफॉर्म, ये आपका जो सैटेलाइट होता है ये क्या हो गया है, प्लेटफॉर्म हो गया। ठीक है, और जो इसमें ये लगे होते हैं सेंसर्स होते हैं, इसी को ये क्या करता है, कैरी करता है, इसको इधर से उधर मूव कराता है। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म पहला जरूरी जो जो आपका कंपोनेंट है वो क्या है, प्लेटफॉर्म हो गया, दूसरा क्या हो गया, सेंसर्स हो गया, और तीसरा क्या हो गया, ऑर्बिट हो गया। ठीक है, ये सेंसर्स का क्या काम है, सेंसर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती हैं उसको क्या करते हैं, सेंस करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, मान लीजिए ये है आपका विजिबल लाइट। ठीक है, विजिबल लाइट आ रहा है, जब विजिबल लाइट अर्थ के किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा, ठीक है, तो क्या होगा कि अर्थ के द्वारा कुछ भाग को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ठीक है, और कुछ भाग को क्या किया जाएगा, ट्रांसमिट किया जाएगा। ठीक है, अब जो ट्रांसमिट किया जाता है, जो डायरेक्ट ट्रांसमिट किया जाता है विदाउट एब्जॉर्प्शन के, ठीक है, वो तो स्पेस में चला जाता है, लेकिन जो एब्जॉर्ब होकर क्या किया जाता है, बहुत सारे जो है जो वेव्स होती है उसको क्या किया जाता है, उसको ट्रांसमिट किया जाता है। तो जो ये आती है ये इनकमिंग सोलर रेडिएशन होता है, ये शॉर्ट फॉर्म में होता है, लेकिन जो यहाँ से जो है एब्जॉर्ब करने के बाद जो ट्रांसमिट किया जाता है उस किस फॉर्म में किया जाता है, लॉन्ग वेव के फॉर्म में किया जाता है, दीर्घ तरंग के बारे में किया जाता है, जिसको हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं। ये क्या होगा, ट्रांसमिट होकर कहां पर जाएगा, इस जो है जो आपके सैटेलाइट में क्या लगे हुए हैं, सेंसर्स लगे हुए होते हैं, इसको ये कैच करेगा, और ये क्या है, ये अपने साथ बहुत सारी क्या रखा हुआ है, इंफॉर्मेशन रखे हुए हैं। ठीक है, यानी जो ऑब्जेक्ट पे टकराया, टकराहट वाला, जो टकराने के बाद सीधे है बिना ट्रांसमिट के, उसको भी ये सेंसर जो है क्या करता है, कैच करता है, और बहुत सारे किसको कैच करता है, जो एब्जॉर्ब होने के बाद अपनी कोण को क्या करते हैं, क्वालिटी को चेंज कर देते हैं, यानी वो लॉन्ग वेव में परिवर्तित हो जाते हैं, उसको भी क्या करता है, ये कैच करता है। अब ये जो सरफेस है, ठीक है, तो
सरफेस का जो नेचर जैसे होगा वैसे इसके पास क्या जाएगा, इसकी क्वालिटी आपके जो जो आपका टेम्परेचर रेडिएशन है उसकी पहुंचेगी, और उसी के अकॉर्डिंग जो आपका सेंसर्स लगा हुआ है जिस काम के लिए लगाया गया है ठीक है, वो क्या करेगा उस ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर उसके पास जाएगा, और उसके बाद में प्रोसेसिंग स्टार्ट होगा और लास्ट में आपको क्या मिलेगा, फाइनल रिजल्ट मिलता है। यही काम क्या करता है, सेंसर्स का होता है ठीक है। जितना अच्छा सेंसर होगा, जिसे आपका क्या सेंसरी ऑर्गन जितने अच्छे होंगे आप चीजों को उतना जल्दी ही ग्रेप कर पाओगे। अगर आप सेंसरी ऑर्गन इसको आप जो है सेंस करने के बजाय कोई दूसरा चीज सेंस कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए कितनी क्या होती है प्रॉब्लम हो सकती है ठीक है। तो ये जो सेंसर्स होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है एक्टिव सेंसर्स और एक होता है पैसिव सेंसर्स। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ठीक है। अब ये एक्टिव सेंसर्स क्या होते हैं, एक्टिव सेंसर्स क्या होते हैं, इट ट्रांसमिट डियर सिग्नल ठीक है, यानी जो आपके एक्टिव सेंसर्स होते हैं वो सन से आने वाली रेस का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं कि वो सेंसर्स क्या करते हैं, जो इस सैटेलाइट में सेंसर्स लगे होते हैं ये खुद क्या करते हैं कि रेडिएशन को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, ना कि सन से आने वाले रेडिएशन का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे सेंसर्स को क्या करते हैं, एक्टिव सेंसर कहते हैं, सक्रिय सेंसर्स कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स ऐसे हैं किसके, एक्टिव सेंसर्स के, जैसे क्या है रडार ठीक है, रेडियो डिटेक्टिंग जो है रेडिएशन, दूसरा क्या है लिडार ठीक है, लाइट डिटेक्टिंग रेंजिंग होता है इसका जो फुल फॉर्म होता है, ये रडार का क्या हो गया रेडियो डिटेक्टिंग, और लास्ट में होता है रेंजिंग ठीक है, आर ये एनजीआई एनजी रेंजिंग, और जो लिडार होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है लाइट डिटेक्टिंग रेंजिंग, और एक क्या होता है सोनार होता है जो समुद्र में जिसका प्रयोग किया जाता है गहराई नापने में। तो ये रडार लिडार और जो सोनार हैं ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये आपके क्या हैं, ये आपके एक्टिव सेंसर के क्या हैं एग्जाम्पल्स है। आपसे एग्जाम में दे दिया जाएगा आपको चार ऑप्शन और पूछा जाएगा कौन सा एक्टिव सेंसर का उदाहरण है, कौन सा क्या है पैसिव सेंसर का उदाहरण है। तो आपको लगाना है जो रडार लिडार या जो सोनार होता है ये किसका उदाहरण है, ये एक्टिव सेंसर्स का क्या है उदाहरण है ठीक है। अब दूसरा हो रहा है पैसिव सेंसर, पैसिव सेंसर्स किसे बोलते हैं, इट डिटेक्ट नेचुरल एनर्जी दैट इज एमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट, यानी जो भी इंसुलेशन सूर्य से आने वाली जो वेव्स होती हैं जब वो किसी भी ऑब्जेक्ट में पड़ती हैं तो ऑब्जेक्ट इसको ऑब्जर्व करेगा, ऑब्जर्व करने के बाद क्या है इमिट करेगा ठीक है। तो जो ये किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा यानी सन से आने वाली जो रेज है उसका किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो इमिट रेडिएशन है उसका प्रयोग कोई सेंसर करता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पैसिव सेंसर, या हिंदी में बोलते हैं निष्क्रिय सेंसर ठीक है। तो पैसिव सेंसर वो होते हैं, आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे ठीक है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कभी कभी, इसके क्या है फुल फॉर्म पूछ ले आते हैं, जो भी यहाँ पर रडार लिडार सोनार रखा गया है इसके फुल फॉर्म भी आपको तैयार करने हैं, साथ ही साथ कौन सा एक्टिव सेंसर है कौन सा पैसिव सेंसर है और ये क्या होते हैं इनकी डिफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए ठीक है। ये हो गया इसका कंपोनेंट का दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट क्या हो गया ऑर्बिट ठीक है। ऑर्बिट क्या होते हैं, ये इसका क्या है आपके रिमोट सेंसिंग का तीसरा मेन कंपोनेंट है। ये क्या है कि द पाथ फॉलोवेड बाय अ सैटेलाइट इज रिफर्ड टू एज ऑर्बिट, यानी जो आपका जो सैटेलाइट होता है ठीक है, जैसे ये आपका क्या है अर्थ है ठीक है, ये क्या है अर्थ है। अब हम जो सैटेलाइट छोड़ते हैं वो किसके लिए छोड़ते हैं, इस अर्थ से रिलेटेड ठीक है किसी न किसी पार्ट की इंफॉर्मेशन के लिए, जो क्या करता है इस अर्थ के सहारे मूव करता रहता है। तो जो मूविंग का पाथ है ठीक है, मान लीजिए कोई सैटेलाइट है ये इस पाथ में ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, या कोई सैटेलाइट हो सकता है इस पाथ में ऐसे ऐसे मूव करता हो, यानी जिस रास्ते को क्या करते हैं अपनाते हैं सैटेलाइट, जिस रास्ते को अपनाते हैं मूव करने के लिए उसी को क्या बोला जाता है, उसी को बोला जाता है ऑर्बिट। क्या बोला जाता है ऑर्बिट बोला जाता है ठीक है। अब ऑर्बिट कितने प्रकार के हो सकते हैं, जो सैटेलाइट मूव करता है तीन प्रकार के हो सकते हैं, ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट ठीक है। क्या है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है कि ऐसे सैटेलाइट ठीक है, जो सैटेलाइट क्या होते हैं इस अर्थ के किसी भी सेंटर के सहारे क्या कर दिए जाते हैं
फिक्स कर दिए जाते हैं। जैसे ये आपको जो दिखाया गया है, ये ऑर्बिट दिखाया गया है, ये क्या है, ये वाला ऑर्बिट क्या है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है। इसको जियो स्टेशनरी क्यों बोला गया, कि जियो का मतलब हुआ पृथ्वी और स्टेशनरी का मतलब हुआ जो चीजें फिक्स कर दी गई है, किसके सापेक्ष, पृथ्वी के सापेक्ष। तो इसमें जो सैटेलाइट होता है, जैसे ये सैटेलाइट है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा इंडिया होगा सऊदी अरबिया का, तो कोई ऐसा सैटेलाइट जो इस पॉइंट पे नजर रखने के लिए कि नहीं, यानी ये सैटेलाइट क्या करेगा कि मान लीजिए उसको इंडिया के ऊपर फिक्स कर दिया गया है, कितने किलोमीटर की ऊंचाई पे फिक्स किया जाता है, लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ये इसकी क्या है, विशेषता है, जिसके आधार पर आप इसको बोल रहे हो कि ये कौन सा सैटेलाइट है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। ठीक है, तो ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर फिक्स किया जाता है। ठीक है, और जो इस सैटेलाइट की स्पीड होती है, जितनी स्पीड आपके अर्थ की है। इसीलिए क्या होगा कि मान लीजिए यह है आपका इंडिया और इसके ऊपर हमने 36,000 किलोमीटर पे ये क्या कर दिया है, सैटेलाइट को फिक्स कर दिया है। अब जितनी स्पीड से आपकी ये मूव कर रहा है, उतनी स्पीड से क्या मूव कर रहा है, आपका सैटेलाइट मूव कर रहा है, तो हमेशा इसी के ऊपर ही बना रहेगा ना, ये तो अलग ज्यादा कहीं भागेगा नहीं, क्योंकि इन दोनों की स्पीड क्या है, सेम है। इसीलिए हमेशा ये क्या होगा, इसी के सहारे फिक्स रहेगा और हमेशा इस एरिया के बारे में जिसके सहारे इसको फिक्स किया गया है उसकी इंफॉर्मेशन लगातार, ठीक है, इसमें जो सेंसर्स लगा होगा रहेगा और उसी से डेटा की प्रोसेसिंग वगैरह आपको रिजल्ट मिलता रहेगा। तो अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या है, आप जान गए इसकी तीन विशेषता, कि ये पृथ्वी के किसी एक भाग के सहारे क्या किए जाते हैं, फिक्स किए जाते हैं, कितनी ऊंचाई पर, ये भी आपसे पूछा जाएगा, तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, और इनकी जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, जितना अर्थ की होती है। ठीक है, और एक पॉइंट ये याद रखना है जियो स्टेशनरी में, कि जो ये मूव करते हैं, ठीक है, ये वेस्ट टू ईस्ट की दिशा में मूव करते हैं, यानी जो फिक्स किए जाते हैं, जो इनका ऑर्बिट होता है वेस्ट टू ईस्ट, यानी ये इक्वेटर के सहारे ज्यादातर क्या किए जाते हैं, फिक्स किए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा क्या है, पोलर ऑर्बिट। ठीक है, पोलर ऑर्बिट किसे कहते हैं, ऐसे सैटेलाइट जो क्या होता है, अर्थ के पोल के सहारे मूव करते हैं, यानी नॉर्थ पोल टू साउथ, नॉर्थ पोल टू साउथ मूव करते हैं। ठीक है, जैसे क्या है कि ये आपका क्या है, अफ्रीका है, ये आपका क्या हो गया, अफ्रीका हो गया। अब जो भी सैटेलाइट मूव करेगा वो कहां है, वो नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू से मूव करेगा, और इसके बारे में पूरे अर्थ के बारे में एक दिन में कम से कम वो 10 से 12 बार क्या करता है, पूरे अर्थ को वो कवर करता है। ठीक है, क्या करता है, कवर करता है। तो ऐसे सैटेलाइट को क्या बोला जाता है, पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट। ठीक है, जो नॉर्थ टू साउथ मूव करता है। ठीक है, अब जो इसकी हाइट होती है वो कितना होती है, 700 से 800 किलोमीटर होती है। ठीक है, 700 से 800 किलोमीटर ऊंचाई इसकी होती है, किसके सहारे जो मूव करते हैं, पोल टू पोल। ठीक है, जैसे कि ये क्या करेगा, एक बार ऐसे घूमेगा, इसके ऊपर से गुजरेगा, ऐसे ऐसे ये क्या करेगा, एक दिन में पूरे अर्थ को कम से कम 10 से 12 बार क्या करेगा, कवर करेगा। यानी अगर कोई पोलर सैटेलाइट है, ठीक है, पोलर ऑर्बिटल सैटेलाइट, तो इंडिया भी उसके रेंज में आएगा, तो दिन में कम से कम 2 से 3 बार इंडिया का क्या करेगा, चक्कर लगा लेता है, क्योंकि पूरे अर्थ को कवर कर लेता है दिन में कम से कम 10 से 12 बार। तो इससे फायदा क्या है कि मान लीजिए ये सालों साल ऐसे मूव करता रहता है, अगर अभी प्रेजेंट टाइम पे सुबह का टेम्परेचर अगर अफ्रीका के ऊपर मूव किया और सुबह मूव किया, ठीक है, क्योंकि ये 24 घंटे में पूरी पृथ्वी एक बार घूम जाएगी अपने अक्ष पे, तो ये 24 घंटे में ही करते कम से कम एक ही पूरी पृथ्वी को 10 से 12 बार ये क्या करेगा, पोल टू पोल मूव कर जाएगा। इसका फायदा क्या है कि मान लीजिए अफ्रीका है, अफ्रीका के ऊपर से सुबह गुजरा 7 बजे, ठीक है, 7 बजे वहां का टेम्परेचर कितना था, मान लीजिए 40 डिग्री था। ठीक है, तो वो दिन में कम से कम 10 बार गुजरेगा, तो दोपहर में भी गुजरा, शाम को भी गुजरा, एक बार टेम्परेचर 40 डिग्री है, दोपहर में गुजरा इसका 45 डिग्री था, शाम को गुजरा तो इसका क्या है, 35 डिग्री है। तो कितनी अच्छी बात है कि आप एक ही दिन में पूरे अफ्रीका का टेम्परेचर 3 बार नापे, से आपको ये आइडिया लग गया कि जो अफ्रीका में जो टेम्परेचर का वेरिएशन है वो सुबह कितना है, दोपहर कितना है, शाम कितना है। ठीक है, तो ये सैटेलाइट जो होते हैं, जो पोलर ऑर्बिटल होते हैं, बहुत ही क्या होते हैं, आपके बेनिफिशियरी होते हैं, बहुत ही फायदेमंद होते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, कुछ उदाहरण लिखे हैं, किसके कि कौन से ऐसे सैटेलाइट हैं जो क्या है, आपके पोलर ऑर्बिटल है। जैसे पहला है लैंडसैट। लैंडसैट क्या नाम है, एक सैटेलाइट का नाम है,
यूएसए का है, विश्व का सबसे पुराना कह सकते हैं कि क्या है ये, दूसरा सबसे पुराना क्या है कि ये सैटेलाइट है, ठीक है। तो ये किस, ये कौन सा सैटेलाइट है, ये पोलर ऑर्बिटल सैटेलाइट है, यानी ये पोल टू पोल क्या करता है, मूव करता है। एक सैटेलाइट है नोवा, ठीक है, एक है स्पॉट, स्पॉट किसका है, फ्रांस का है, और एक है आईआरएस, इंडियन रिमोट सेंसिंग, ठीक है, सैटेलाइट। तो आईआरएस किसका है, इंडिया का है, ये भी क्या है, ये भी एक पोलर जो है ऑर्बिटल सैटेलाइट है, ठीक है। तो पोलर वाला, पोलर ऑर्बिटल का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, कितना फायदेमंद है आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि एक ही स्थान से दिन में कम से कम 3 से 4 बार मूव करेगा, क्योंकि पूरी पृथ्वी की ये 24 घंटे में 7 से 8 बार क्या कर देता है, नॉर्थ साउथ परिक्रमा कर देता है, ठीक है। ये हो गया जो है जियो, आपने देखा जियो स्टेशनरी, ठीक है। जियो स्टेशनरी का दूसरा नाम जियो सिंक्रोनस भी है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, जियो सिंक्रोनस कही है या जियो स्टेशनरी, जो क्या होता है एक भी स्थान पे फिक्स कर दिया जाता है, उसी के सहारे मूव करता है, और ये वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है, और जो पोलर वाला है वो नॉर्थ टू साउथ। एक होता है सन सिंक्रोनस, सन सिंक्रोनस भी क्या है, ये जो पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट है इसी का एक भाग है, ठीक है, इसी का एक प्रकार है, जिसमें जो सैटेलाइट छोड़ा जाता है सन सिंक्रोनस में, वो भी क्या करता है, नॉर्थ टू साउथ क्या करता है, पोल को मूव करता है, ठीक है, यानी ये जो आपका पोल होता है इसी के सहारे क्या करता है, मूव करता है। तो ये ऑर्बिटल सैटेलाइट होते हैं, उसका एक विशेषीकृत रूप होता है, ऊंचाई भी इसमें वही होती है 700 से 800 किलोमीटर होती है, ठीक है। ये रहा आपका जो है रिमोट सेंसिंग में, आपने देखा कि इसके कंपोनेंट कौन कौन से थे, सेंसर्स कौन कौन से इसमें लगे होते हैं, ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं, ठीक है, ये सारे पॉइंट आपने देखा, और उसको आप अच्छे से क्या कीजिए, जो भी पॉइंट्स आपको बताए गए हैं ये आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, एक्टिव सेंसर की बात किया जाए, पैसिव की बात किया जाए, या जो भी इसमें ऑर्बिटल बताए गए हैं, ये आपकी करेक्टरिस्टिक दे दी जाएगी, आपको दे दिया जाएगा कि जो जियो स्टेशनरी होती है उसकी हाइट कितनी होती है, उसकी दिशा कैसी होती है, आपसे पूछा जाएगा कि जो पोलर ऑर्बिटल होते हैं उसकी दिशा कैसी होती है, आपसे पूछा जाएगा कि भैया बताइए जो आईआरएस जो आपका रिमोट सेंसिंग है, ये सैटेलाइट है, ये किस प्रकार के ऑर्बिटल है, ये पोलर ऑर्बिटल है या कौन सा ऑर्बिटल है, ये सन सिंक्रोनस है या ये जियो सिंक्रोनस है या जियो स्पेशल है, आप जो जो है क्या है आपका स्टेशनरी है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, कुछ नए जो है फैक्ट के साथ, ऑल द बेस्ट।